मध्य प्रदेश के देवास जिले के शिप्रा गांव में अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम फारूक खान बताया जा रहा है। देवास जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शिप्रा गांव में एक मकान की छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराए जाने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी मकान मालिक का नाम फारूक खां है। राजस्व निरीक्षक लखन सिंह ने कहा कि जिले के शिप्रा गांव में एक घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराए जाने के बारे में एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद तहसीलदार ने उन्हें जांच करने के निर्देश दिए थे। सिंह ने जब घर के मालिक फारूक खां से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसके 12 वर्षीय बेटे ने अज्ञानता के कारण पाकिस्तान के झंडे को घर के ऊपर फहरा दिया था। मैं क्या है, राजस्व निरीक्षक तहसील देवास से आया हूँ। ये ग्राम छिपरा में अभी संज्ञान में आया था कि ये फारूक खां के मकान के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है। इसकी संज्ञान के लिए तहसीलदार साहब ने मेरे को भेजा था जी। और मैं अभी जांच करने आया हूँ। इसमें अभी जो फारूक खां खुद जो मकान वाले हैं उनसे मैंने अभी कथन लिए, उनके जांच करी है जी। तो उनके द्वारा बताया गया है कि मेरा जो अमीन 12 साल का एक पुत्र है, लड़का है जी। उसने अज्ञानतावश ये मतलब झंडा लगाया हुआ था और जैसे ही मेरे जानकारी में मिला तो मैंने वो झंडा निकाल के उसको जला दिया, नष्ट कर। अब ये जो जानकारी मिली है, अभी इनने ये तो नहीं बताया कि झंडा कहाँ से आया है। अब ले जाके जो हमारा औद्योगिक थाना है जी, उसमें TI साहब को ये जानकारी तहसीलदार साहब को बताएंगे और अग्रिम कार्रवाई जो भी अधिकारी को उचित लगेगी तो उसमें कार्रवाई। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने आरोपी के घर से झंडा बरामद कर लिया है, जिसे जाँच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि यह झंडा कैसे और कहां से आया और आखिर इसे लाया कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देवास।